लोग आज देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ये कक्षा 5 में, कक्षा 5 की कलरों है और इसमें ये पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें अभ्यास प्रश्न देने से पहले हम इसमें कुछ प्रेरक प्रसंग लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में दिए गए हैं, तो इसको हम सबसे पहले इसको पढ़ना उचित समझेंगे। देखते हैं। बच्चों, आपके विद्यालय में 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है। एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय तत्कालीन वाराणसी वर्तमान चंदौली के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम रामदुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने, उसके बाद उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद सर्वसम्मत से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने वाले महान लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद रूस में हुआ था। इसके बाद अगली लाइन है, उसी में लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यवहारिक एवं संतुलित था। वे जो कहते थे उसे पहले कर स्वयं करते थे। इसका उल्लेख उनके जीवन की कई घटनाओं में मिलता है। आइए उसमें से कुछ प्रसंगों के बारे में जानें। तो इसमें कुछ प्रसंग दिए गए हैं। पहला प्रसंग है, शास्त्री जी उन दिनों रेल मंत्री थे। एक बार उन्हें बनारस के पास सेवापुरी जाना पड़ा। छोटे कद का होने के कारण शास्त्री जी को गाड़ी के से प्लेटफार्म पर उतरने में काफ़ी दिक्कत हुई। यह देखकर वहां खड़ी कुछ औरतें हंसकर कहने लगी कि अब महसूस हो रहा होगा कि महिलाओं को प्लेटफार्म पर उतरते समय कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्लेटफार्म पर पहुंचते ही शास्त्री जी ने स्टेशन मास्टर को बुलाया और उनसे कहा कि क्या वे एक फावड़े का इंतजाम कर सकते हैं। फावड़ा तुरंत लाया गया। शास्त्री जी ने फावड़ा लेकर उस प्लेटफार्म के दूसरी ओर जमीन खोदनी शुरू कर दी और मिट्टी प्लेटफार्म पर डालने लगे। यह देखकर वहाँ खड़े लोग वे भी वहाँ खड़े हाँ यह देखकर वहाँ जो लोग खड़े थे वे भी फावड़ा और उसी तरह के चीज़ें ले आए और शास्त्री जी का अनुसरण करने लगे। सभी को तब सुखद अचरज हुआ जब 3 घंटे के अंदर वह नीचा प्लेटफार्म मानक स्तर का बन गया, मतलब मानक स्तर तक ऊंचा बन गया। इसके बाद आगे है, जिसके बाद दूसरा प्रसंग है इसी में, तो इसमें देखते हैं दूसरा प्रसंग। प्रसंग 2 है। इस प्रसंग यह भी प्रसंग उस समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी काम इसे इलाहाबाद जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर थी। लाइनमैन फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी ने के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़ कर गया और उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री हैं और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी फाटक खोल दूंगा। स्टाफ के अफसर ने लौट कर कहा, श्रीमान जी वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए। इसके बाद प्रसंग 3 है लाल बहादुर शास्त्री के विषय में ही। यह प्रसंग उन दिनों का है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। एक बार उनका ड्राइवर सुबह निश्चित समय पर नहीं आया। उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की, फिर हाथ में फाइल लेकर पैदल ही दफ्तर की ओर चल दिए। उनका दफ्तर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। इस बात पर सचिवालय में हड़कंप मच गया। ड्राइवर से जवाब तलब किया गया। जवाब ने उसे कहा कि अचानक एकाएक उसका छोटा बच्चा
गंभीर रूप से बीमार हो गया था और उसे भागकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शिकायती फाइल जब शास्त्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखा कि उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और भी और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी बेटे का, यहाँ पे बेटे का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, काम उसके बाद है। इसके बाद अगला प्रसंग आता है, यह घटना उस समय की है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। एक दिन खाने की मेज पर परिवार के सभी सदस्य बहुत गंभीर थे और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे थे। जब शास्त्री जी ने इस बारे में पूछा तो वे भी चुप रहे। उनके जोर देने पर उनके बेटे ने कहा कि बाबूजी, आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। शास्त्री जी ने जवाब दिया कि तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इसे ध्यान में रखें तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय के अनुपात की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आगे अगला प्रसंग है, पांचवा प्रसंग। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के फौरन बाद एक विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई महिलाएं कर रही थी। अनेक महिलाएं अपनी गोद में बच्चे लिए हुए थी। प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंचकर उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। तेज गर्मी के कारण प्रदर्शन करने वाले पसीना पसीना हो रहे थे। एकाएक शास्त्री जी उठ खड़े हुए। उन्होंने एक ट्रे उठाई, उसमें गिलास रखे और वाटर कूलर के पास जाकर एक एक करके उसमें पानी भरा। इसके बाद वे हाथ में ट्रे लेकर फाटक की ओर चल दिए। सुरक्षा बलों ने मदद देने को कहा लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। इसके बाद है, वे सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी के पास पहुंचे। महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह महिला को डांटते हुए कहा कि तुम इस छोटे बच्चे की माँ हो, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह बच्चा प्यासा है इसलिए रो रहा है। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और ट्रे माँ के हाथों में पकड़ा दी। फिर एक गिलास उठाया और बच्चे को पानी पिलाने लगे। महिलाओं ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में भीड़ हटने लगी और लोगों को यह बिल्कुल याद ना रहा कि वे वहाँ किस उद्देश्य से आए थे। जब सिर्फ 4-5 आदमी बच गए तब शास्त्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अंदर चले और इस संबंध में बातचीत करें। इसके बाद आगे आता है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में हम देखते हैं, पहला प्रश्न बोध प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है कि ड्राइवर की शिकायत फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा। तो इसको हमने कॉपी में लिख लिया है, देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, ये बोध प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इसमें है कि ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा। तो इसका उत्तर है, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने लिखा कि उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और भी किसी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, खा उसी में, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लाइनमैन अपना कर्तव्य बिना किसी दबाव के पूरी ईमानदारी व निष्ठा से किया, इसलिए शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की कर दी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे। इसका उत्तर हो जाएगा, शास्त्री जी के अच्छे व्यवहार के कारण प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान करने लगे। इसके बाद अगला प्रश्न, इसका घा खंड है, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ से शास्त्री जी के दयालु, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त, विनम्र व उदार आदि गुणों का पता चलता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भाषा के रंग। तो इसमें भाषा के रंग में इसमें जो पहला प्रश्न है इसको हमने किताब से ही इसका हल बता दिया है। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। ये है, भाषा के रंग
पहला का खंड है कि नीचे प्रत्येक पंक्ति में दो शब्द दिए गए हैं, सोच कर पढ़िए वे दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा है। यदि यह समान यह शब्द समानार्थक है यानी समान अर्थ है दोनों का तो हम सा पर गोला खींचेंगे, और यदि विलोम है विपरार्थक है तो इस पे हम वी पे गोला घेरा खींचेंगे। उदाहरण देखते हैं, इसमें पहला उदाहरण दिया गया जैसे सुंदर सुंदर का होता खूबसूरत, तो ये समानार्थक शब्द है तो इसमें हमने सा में गोला खींच दिया घेरा बना दिया, और इसके बाद विजय पराजय ये विलोम है तो इसमें वी पे कर दिया, और यातना पीड़ा ये समानार्थक है तो सा पे कर दिया गोला बना दिया, और इसके बाद है आरंभ अंत ये भी विलोम है तो इसमें विलोम पे वी पे कर दिया, और मृदुल कटु ये विलोम है इसके बाद विलोम पे घेरा करेंगे, इसमें देखिए किया हुआ है घेरा। और इसके बाद आता है अगला, इसमें आता है विश्वास अविश्वास ये भी विलोम है तो इसमें विलोम पे घेरा करना है, पक्ष विपक्ष इसमें भी विलोम पे घेरा करना, कठिनाई मुश्किल ये समानार्थक शब्द इस पे सा पे करना। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में आता है, अगला खंड आता है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो इसमें देखिए हमने ये शब्द, इसमें हमें सबसे पहले बच्चों के भी विचार लेने हैं, उनको शब्द देना है और उनसे कहना है कि बच्चे अपने अपने शब्दों में कुछ शब्द वाक्य प्रयोग करें, मतलब शब्द उनको देना है उसी का प्रयोग करते हुए वो अपने अपने शब्दों में वाक्य बनाएं। अब इसके बाद इसमें हमने दिया है कि सुखद मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला है आश्चर्य मुझे तुम्हारी सफलता पर आश्चर्य होता है। इसके बाद आता है सुरक्षा बल घटना स्थल पर सुरक्षा बल बढ़ाए गए। इसके बाद है स्वभाव शास्त्री जी का स्वभाव विनम्र था। इसके बाद है प्रदर्शन तेज गर्मी के कारण प्रदर्शन करने वाले पसीना पसीना हो रहे थे। इसके बाद गा है निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। अब इसमें हम बच्चों को इसमें विशेषण के बारे में इसी के साथ थोड़ी सी जानकारी दे देंगे कि विशेषण क्या होते हैं और उनसे शब्द बनाने के लिए कहेंगे। दयालु शास्त्री जी दयालु स्वभाव के थे। कोमल माँ का हृदय कोमल होता है। चतुर कौवा चतुर पक्षी है। और श्रेष्ठ हमारे विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। इसके बाद अब आता है करने की बारी, तो इसमें जो है पता कीजिए कि इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन थे। तो इसमें महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का है भारत छोड़ो आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू है आराम हराम है। और लोकमान्य तिलक का जो लोकप्रिय नारा है स्वराज जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का है जय जवान जय किसान। और सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद हमें एक प्रश्न और इसमें कुछ कर रहे हैं किताब से, तो इसमें देखते हैं। इसमें एक प्रश्न और आया है कि मेरे दो प्रश्न, इसमें हर मतलब लगभग सभी पाठों से हमें दो सवाल बनाने हैं, तो इसमें हमने दो सवाल बनाया है। ये भी हमें बच्चों से पहले सहयोग लेना है इस संबंध में। तो यह लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था ये प्रश्न पहला बनाया है, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या है। और इसके बाद और भी है एक प्रश्न बीच में रह गया है, इसमें दिया गया है कि सोच विचार कर बताइए। ये हम बच्चों से बच्चों के माध्यम में मतलब तर्क वितर्क कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों के विचार ले सकते हैं। यदि आप लाइन मैन होते और रेल फाटक पर रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री फाटक के समीप आ गए होते तो आप क्या करते, ये हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे उस पर क्या अपनी बात क्या विचार अपने व्यक्त करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक अच्छा लगा, ये भी, और क्यों लगा मतलब अच्छा क्यों लगा, तो ये भी हम बच्चों से बच्चों के बीच में बातचीत करेंगे। तो मैंने कहने का मतलब इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं ये हम बच्चों के मतलब उनका विचार लेंगे। और इसके बाद अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे, इससे उनके किस स्वभाव या किस विशेषता का पता चलता है। और अगला अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है कि यदि आपको अपने गांव मोहल्ले का प्रधान यानी आप लिख सभासद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे। तो ये सारे प्रश्न जो दिए गए हैं सोच विचार के, ये हमें बच्चों से पूछने हैं और बच्चों से हमें उनका उत्तर लेना है, और इसके बाद हम उन उत्तरों में सुधार करेंगे जहाँ संभव हो। धन्यवाद।